किसी गांव में करिश्मा और करीना नाम की दो बहनें रहा करती थी। करिश्मा थोड़ी अमीर थी और करीना थोड़ी गरीब थी। अभी दोनों बहनों में बहुत ज्यादा प्रेम था। दीदी दीदी, गांव में मेला लगा है, चलो घूमने। हम लोग बिंदी, चूड़ी, पायल सब कुछ खरीदेंगे और जलेबी, मिठाई, पानी पूरी भी खाएंगे। क्या बात कर रही हो छुटकी, चलो चलो जल्दी चलो, बहुत दिन के बाद हमारे गांव में मेला लगा है, जल्दी जाओ, तैयार होके आओ, मैं भी तैयार हो जाती हूँ, चलो चलो मेला घूमने के लिए चलते हैं। मैं भी ढेर सारे श्रृंगार का सामान लूंगी। फिर दोनों बहनें तैयार होकर के मेला घूमने के लिए चली जाती हैं। इना वो देखो, मेले में झूला आया है और सर्कस भी लगा हुआ है। हाँ दीदी, झूला बहुत बड़ा है, मैं तो सर्कस भी देखूंगी। चलो दीदी चलो, जल्दी करो, टिकट भी कटाना है ना। फिर मेले में चाट पकौड़ी भी खाएंगे। दीदी चूड़ियाँ और बिंदी भी लूंगी, ढेर सारी चूड़ियाँ लूंगी। इस्मा ने देखा दीनू राधा से कुछ बातें कर रहा था और राधा बहुत ही डरी हुई सी लग रही थी। तब उसके पास दोनों बहनें आती हैं। राधा क्या हुआ तुझे, लगता है तू किसी चीज से डर रही हो क्या? दीदी दीदी, गांव के बाहर जो कटहल का पेड़ है ना, उस पर आज एक चुड़ैल आ गई है, अभी अभी दीनू ने मुझे बताया, मुझे बहुत डर लग रहा है। दीदी तू डर मत, चल मेरे साथ, हम लोग साथ चलेंगे। चलो दीदी। राधा चल मेरे साथ, हम लोग सब साथ मिलकर जाएंगे, चलो चलो हम लोग साथ चलते हैं। और वे सभी लोग मिलकर जंगल की ओर चल देते हैं। दीदी दीदी वो देखो, चुड़ैल है वहाँ। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी, अब से मैं यहीं रहूंगी और सब गांव वालों को कच्चा चबा जाऊंगी। मैं इसी कटहल के पेड़ पर रहूंगी और सभी गांव वालों को एक एक करके खा जाऊंगी। कुछ और लोगों को पकड़ कर लाती हूँ, तुम लोगों को खाने से मेरा पूरा पेट नहीं भरेगा। दीनू तुम मेरे लिए कुछ रोटियाँ बना करके रखना। दीनू चुड़ैल के लिए रोटियाँ बनाने लगता है। तभी कहीं से वहाँ एक तोता उड़ता आता है और कहता है, कोई मुझे पकड़ो, कोई मुझे पकड़ो, हिम्मत है तो पकड़ो, मुझे जो पकड़ा तो चुड़ैल को मारा, यह कहकर उड़ने लगता है। सभी उसे पकड़ने लगते हैं। मैं तुझे पकड़ूंगा, मैं तुझे पकड़ूंगा, रुक तोते रुक, तोते रुक, मैं तुझे पकड़ूंगी, मैं तुझे पकड़ूंगी। सभी उसे पकड़ने लगते हैं और करीना उसे पकड़ लेती है और करिश्मा उसके सर को ऐंठ देती है। ऐसा करते ही चुड़ैल का सर धड़ से अलग हो जाता है और उसके पास आकर कहने लगती है, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, नहीं छोड़ूंगी, मैं वापस आऊंगी, तुम सबसे बदला लूंगी, मैं फिर अगले साल भादो के अमावस में आऊंगी। यह कहकर चुड़ैल मर जाती है। भागो भागो, जल्दी यहाँ से भागो भागो भागो।
सब लोग वहाँ से जल्दी जल्दी अपने घर भागने लगते हैं। घर पहुँचकर चैन की सांस लेते हैं। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि हम लोगों की जान बच गई है। सभी लोग भगवान को धन्यवाद देते हैं।